अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद कमार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मार्क 11। गाइस, आज हम सदर में नाज प्लाजा सेंटर के पास आए हुए हैं। यहाँ पे हम इलेक्शन ऑन रोड के जो है क्या नाम है रिजल्ट देखने के लिए आए हुए हैं। एक प्रोग्राम कर रहे हैं, इनसे पूछते हैं। बंद कर दो ना सर। अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा अगला वज़ीर आज़म हमारा कौन होना चाहिए? इंशाल्लाह इमरान खान। इमरान खान का कोई एक आध काम बताएं जो अच्छा किया हो। बहुत काम अच्छे के यूनिवर्सिटी बनाया और इस्लाम के तरीके में चल रहा है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उमूमत के नाम उठा रहा है और वहाँ जाके जो है ना अमेरिका में एक सिक्योरिटी लॉर्ड बोला है और क्या करे, अमेरिका को जो है ना आँखें दिखा रहा है और जो है ना बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी देखे हुए, उसका डैम भी चल रहा था, हर चीज़ चल रहा था, मुल्क भी चल रहा था उसके टाइम में, और महंगाई भी इतनी नहीं थी, सब कुछ था इमरान खान की वजह से। इमरान खान जब नहीं आएगा तो पाकिस्तान सही नहीं होगा। इमरान खान वर्ल्ड लीडर है और ज़बरदस्त लीडर है और इमरान खान के बगैर मुल्क कोई संभाल ही नहीं सकता। एक पहले कायद आज़म तो कायद आज़म का भाई ये है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। करीब से अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताएं कि अगला पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन होगा? इंशाल्लाह हमारे पीटीआई इमरान खान होगा। इमरान खान होंगे जी इंशाल्लाह। क्या इमरान खान का कोई एक कारनामा बताएं, कोई अच्छा काम किया हो? जी सर, इमरान खान हमारे पठानों के लिए बेस्ट लीडर है और जो बच्चे स्कूल पढ़ते हैं उसके लिए बेस्ट लीडर है। हमारे लिए इतने इंसानियत के काम किए, जो हम हर जगह जाएंगे तो हमारे नाम हमारे जो है वो लोग नहीं कहेंगे कि आप लोग पठान हो, आप लोग ये पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, क्योंकि जो हम अभी स्कूल जाएंगे, हम वहाँ जहाँ जा रहे हम पठानों को तंग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तो आप लोग पठान हो, आप लोग अपने वतन जाओ, आप लोग का ये जगह नहीं है। क्योंकि हम लोगों को भी एक मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हम अभी इस टाइम पे अपने आप को वो कर ले, कौम परस्ती कर ले कि हम पठान हैं, आप लोग पाकिस्तानी हो, आप लोग उर्दू स्पीक हो या आप लोग क्रिश्चन हो, क्योंकि इसमें ना वो होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम पठान हैं, सब लोग हमारा मुसलमान भाई है इस पाकिस्तान में। भले नवाज शरीफ हो, भले शहबाज शरीफ हो, भले इमरान खान हो, भले पीपल्स पार्टी का ये बिलावल भुट्टू हो, जो भी हो, हमारे लिए एक सच्चा लीडर और अच्छा लीडर चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वज़ीर आज़म किसको देखना चाह रहे हैं? इमरान खान को। क्यों, वजह? वो एक अच्छा मुसलमान आदमी है और दीदार आदमी है, वो किसी से डरने वाला नहीं है और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वही वज़ीर आज़म बनेगा। बहुत शुक्रिया। आप बताइएगा पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म किसको देख रहे हैं? इमरान खान। सबको वोट दे के देख लिया, अब इनको दे के देखते हैं। अभी हमने अभी वोट दिया तो था इमरान खान को, कोई अच्छा काम किया? अच्छा काम अक़वामे मुत्तहिदा में केस लड़ा है, मेन चीज तो यही है, सबसे मेन चीज, बाकी किसी ने तो नहीं लड़ा अब तक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाई। पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म कौन है? इमरान खान। इमरान खान, वजह? आवाम सारी यूथ उसके साथ है। अच्छा, कोई एक अच्छा काम? बहुत से हैं, उनसे तो अच्छे है चोरों से। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अंकल, ये बताइएगा कि अगला पाकिस्तान का वज़ीर आज़म किसको देखना चाह रहे हैं? वज़ीर आज़म से इमरान खान को होना चाहिए, क्योंकि जो वज़ीर आज़म महंगाई कम रखेगा वही हमें अच्छा लगेगा। बात ये है सारी कि इमरान खान सही था, दीन की बात तो करता था, कम से कम वो मदीने की बात करता था, इसकी करता था, जो बात हमने तो आज तक सुना ही नहीं नवाज शरीफ के मुंह से, ना कभी कुल अल्लाह सुनी। देखे आपने, आपने भी देखा होगा इसे क्या हो रहा है। तो ये दीन अगर समझ में आया तो कोई इमरान खान की बात समझ में आई कि वो दीन की बात तो कम से कम करता था, जो बात है। तो इमरान खान को आना चाहिए, जो बात सही है। बहुत शुक्रिया जी। अब यहाँ पूछते हैं कि सर, ये बताइएगा अगला वज़ीर आज़म पाकिस्तान का आप किसको देखना चाह रहे हैं? इमरान खान। वजह? वजह बस अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है। सही बताएं, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म किसको देखना चाह रहे हैं? इमरान खान। थैंक यू सर। आप बताएं अगला वज़ीर आज़म पाकिस्तान? इमरान खान। इमरान खान जी। वजह? क्योंकि उसने मुल्क को आगे बहुत बढ़ाया है और बहुत अच्छा बंदा है। हम तो चाहते हैं, अवाम ही चाहते हैं कि इमरान खान आए, हम उसके साथ हैं जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।